बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। नाज़रीन, रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। तारीख़े इंसानी में ये मुबारक महीना है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज की इस वीडियो में आपको रबीउल अव्वल का चांद देखकर एक ही बार पढ़ने से हर परेशानी, दुख और गम खत्म होता है। ये अमल आपको इतनी दौलत देगा कि आप खुद कहेंगे कि अब और जरूरत नहीं। आपने रबीउल अव्वल का चांद देखने के बाद सिर्फ एक छोटी सी तस्बीह करनी है जो आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सारे मसाइल का हल अल्लाह ने इस वजीफे में रखा है। ये मौका साल बाद आता है, फायदा उठाएं, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर बंदा अपनी अपनी जगह बहुत सी मुश्किलात का शिकार है और बहुत परेशान है। समझ नहीं आ रही कि वो अपने घर वालों का पेट कैसे पाले या वो दो वक्त की रोटी कैसे खाए। समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से रोजी कमाए, किस तरह से अपनी मुश्किलात को हल कर सके। तो आज सबके लिए ये अमल बताया जा रहा है ताकि आप भी अपने आप को कामयाब और खुशहाल बना सके। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, सब रसूलों के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हदायत का जरिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जुल्मत के अंधेरे मिट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अल्लाह ताला की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत है, जिसके लम्हात को साल, महीना, दिन, तारीख और वक्त के एतबार से तमाम औकात से बढ़कर फजीलत हासिल है। वो रात जिसके हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो लैलतुल कदर से इसलिए अफजल है कि इसके हिस्से में आपकी जात शरीफ का जहूर हुआ और लैलतुल कदर आपको अता हुई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो लैलतुल कदर उम्मत को मिली। गोया लैलतुल कदर, जिसमें फरिश्तों का नजूल होता है, आपको अता होने से मुशर्रफ हुई। और फिर ये रात ईमान वालों को नसीब हुई क्योंकि वो ही मानते हैं, जबकि पैदाइश की रात की फजीलत और रहमत सारे जहानों पर है, कि आप शान रहमतुल आलमीन से जलवा अफरोज हुए और आपकी जात मुकद्दसा के सदका में ही जमीनों आसमान की तमाम मखलूकात पर अल्लाह ताला की नियमतें आम हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर ईमान फरमाते इशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें इन्हीं में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और बहुत बड़ी रहमत है। फजलो रहमत के शुक्राने में अल्लाह ताला का फरमान है, ए महबूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि अल्लाह ताला ही का फजल है और उसी की रहमत है और चाहिए कि इस पर खुशी करें। लिहाजा रबीउल अव्वल का चांद देखकर खसूसी एहतमाम के साथ आपने 307 मरतबा तस्बीह पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ना है। रूहानी तरक्की के लिए इस दरूद शरीफ का कसरत से विर्द करने वाला बहुत जल्द रूहानी तरक्की हासिल करेगा और गैब से इस्लाह होगी, बल्कि कोई भी ऐसी मुश्किल जिसमें छुटकारा नामुमकिन नजर आ रहा हो, ऐसी हालत में तो रोजाना 1000 दफा इस दरूद को पढ़ना मुश्किलात से कफायत करता है। जो कोई अपने रिस्क में बरकत, फराखी और कुशादगी चाहता हो और सदका देने के लिए उसके पास कोई चीज ना हो तो इस दरूद को पढ़े। इससे रिस्क में वसत और बरकत होती है और ये सदका का न्यामुल बदल बन जाता है। हर ला इलाज मर्ज के लिए किसी भी किस्म का मर्ज हो जो ठीक होने में ना आ रहा हो तो इस दरूद पाक का शिफा होने तक कसरत से विर्द करना इंतहाई मुजर्रिब है। चोरी, खौफ, हादसात से हिफाजत के लिए जिस शख्स को चोरी का डर हो, किसी किस्म का खौफ हो, तो इस दरूद को विर्द जुबान रखे, इंशाल्लाह हिफाजत होगी। नाज़रीन, इस दरूद के बेशुमार फवाइद हैं
और इसी तरह खौफ व हादसात से हिफाजत के लिए बहुत मुजर्रिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती अकदस पर दरूद पैगंबर इस्लाम से इजहार मोहब्बत का बेमिसाल और मुनफरिद अंदाज है। बेपनाह फवाइद और समरात से मुसलमान का दामन भी भर देता है। दरूद पढ़ने से अल्लाह ताला की अतात और फरमा बरदारी हासिल होती है। अल्लाह के साथ दरूद में मुवाफकत हासिल होती है। वो बात अलग है कि हमारे और अल्लाह ताला का दरूद मुख्तलिफ मायनी तालीब रखता है, क्योंकि हमारे दरूद का मायनी दुआ और सवाल है और अल्लाह ताला के दरूद से मुराद सना बयान करना है। दरूद पढ़ने में फरिश्तों के अमल के साथ मुताबकत नसीब होती है। एक मर्तबा दरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की जानिब से 10 रहमतें अता की जाती हैं। एक बार दरूद पढ़ने से 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। एक दफा दरूद पढ़ने से नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दरूद से आगाज करने से दुआ शर्फ कबूलियत हासिल करती है। दरूद पढ़ने से रोजे कयामत शफात रसूल की सआदत नसीब होती है। दरूद गुनाहों की मगफिरत का बाइस है। दरूद इंसान के गमो अलम का मदावा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाला रोजे कयामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर होगा। तंग दस्त के लिए दरूद सदका के कायम मकाम है। दरूद इंसानी जरूरियात पूरी होने का बेहतरीन जरिया है। दरूद पढ़ने वालों को रहमत इलाही और फरिश्तों की दुआ नसीब होती है। दरूद तज़किये नफ्स का बाइस है। मौत से पहले बंदे को बिशारत जन्नत मिलने का सबब है। कयामत की होलनाकियों से निजात मिल जाती है। मजलिस दरूद से पाकीजा हो जाती है और रोजे कयामत ऐसी महफिल बाइसे हसरत नहीं होगी। दरूद शरीफ से फिक्र फाका खत्म हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को बुखल से निजात मिल जाती है। दरूद शरीफ पढ़ने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद से की जाने वाली कलाम पाया तकमील तक पहुँचती है। दरूद पाक अल्लाह ताला की रहमत पाने का जरिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी दरूद शरीफ पढ़कर इन फवायद और समरात को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा हम आपको एक और वजीफा बताते हैं। रबीउल अव्वल के पहले दिन का नेकियों भरा पैकेज। बाज बुजुर्गाने दीन से मनकूल है कि जो शख्स रबीउल अव्वल की पहली शब चांद रात और पहले दिन दो रकात नफल इस तरह से पढ़े कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 7 बार सूरत इखलास पढ़े, अल्लाह पाक उस शख्स को 700 साल की इबादत का अजर अता फरमाएंगे। एक बार दरूद पढ़ने से 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे।